हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आम के पन्ने की रेसिपी। आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने 250 ग्राम्स अमिया ली हुई है, उसको छोटा छोटा काटा हुआ है। वैसे तो आप पूरी अमिया, कई लोग क्या करते हैं, छिलका उतार के साबुत बॉईल कर लेते हैं, तो पर वो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि कई बार अमिया अंदर से ख़राब होती है, कोई कीड़ा होता है या गली हुई होती है, तो आप काट लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अराउंड एक कप पुदीना मिंट लीव्स ली हुई है फ्रेश। देखिए, मैंने एक कटोरी भर की, इसका अप्रॉक्स मतलब वो कुछ नहीं है फिक्स कि इतना ही यूज़ करना है। देखिए, ये फूल ज़्यादा जाता है। देखिए, मैंने एक कटोरी लिया हुआ है और इसमें डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। एक मैंने टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया हुआ है, एक टेबलस्पून ब्लैक पेपर ली हुई है, एक टेबलस्पून जीरा पाउडर लिया हुआ है और अराउंड 4 to 5 टेबलस्पून शुगर ली हुई है। अब इट डिपेंड्स, अगर आपकी अमिया खट्टी है तो आप टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना शुगर ज़्यादा और डालनी पड़ रही है, तो आप और डाल सकते हैं। और आपको लग रहा है आपकी अमिया मीठी है तो आप शुगर थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें यूज़ कर सकते हैं। आइए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है। अब देखिए, अब हम इसको पैन में, चाहे तो आप प्रेशर कुकर में भी आप इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको पैन में डालूंगी। मैं इसमें, देखिए, कई पन्ना भी दो तरीके से बनता है। कई होता है कि लोग थोड़ा थिक बना के रख लेते हैं और जब सर्व करना हो तो उसमें पानी ऐड करके और ठंडा और आइस ऐड करके सर्व करते हैं, और कुछ लोग होते हैं एक ही बार में सारा ही बना लेते हैं। तो मैं आपको उस हिसाब से बनाऊंगी कि मैं थिक बना रही हूँ थोड़ा सा, जब आपने सर्व करना है तो इसमें कोई अप्रॉक्स नहीं। आप देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के, अमिया डाली मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया अंदाजे से, और इसमें ये मिंट लीव डाल दी। बस देखिए, मिंट लीव डाल देंगे सारी इसमें हम, ये देखिए, और इसमें पानी अप्रॉक्स इतना कि ये मुझे 5-10 मिनट अराउंड इसको, मैंने अभी तो हाई फ्लेम पे कर देती हूँ, और इसको ढक के हम रख देंगे। एक जैसे बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको कर देंगे कि देखेंगे, और इसको 10 मिनट अराउंड मीडियम फ्लेम पे पड़ा रहने देते हैं हम इसको, और 10 मिनट बाद हम देखते हैं। पहले एक आप बॉईल आ जाएगा, उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा हाई से। ये देखिए, मेरा अच्छे से एक बॉईल, अच्छे से देखिए उबाला आ गया है अच्छे से ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अमिया का कलर भी फ़र्क होने लग गया है थोड़ा सा, तो अब इस टाइम पे हम इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसके बाद दोबारा से इसको हम ऐसे ढक के छोड़ देंगे। अब हम 5 से 7 मिनट के लिए और इसको इसी तरीके से बॉईल होने देंगे। ये देखिए, हमारा 7 मिनट और बॉईल हो गया अच्छे से। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये जो शुगर डाली थी, मेरी अमिया बहुत ज़्यादा थोड़ा सा खटास लिए हुए थी, मीठी नहीं थी, तो मैं ये पूरी शुगर इसमें डाल रही हूँ। मैं इसको शुगर डाल के अब इसको एक मिनट के लिए शुगर को भी पकने दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी, जिससे कि शुगर भी पक जाए। ये शुगर बाद में भी आप डाल सकते हैं, पर अगर आप इस टाइम पे शुगर को पका लेंगे तो इसका बेनिफिट होगा, ये पन्ना बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप चीनी ऊपर से बाद में डालेंगे तो पन्ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आपको 1-2 दिन में ही कंज्यूम करना पड़ता है। तो हम 1 मिनट के लिए इसको फिर से मैंने ढक दिया है और अब इसको शुगर को भी इसमें पकने देते हैं। ये देखिए, इसको मैंने 1 मिनट अच्छे से बॉईल कर लिया था शुगर डाल के, अब इसको मैंने गैस ऑफ कर दिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम हैंड ब्लेंडर से या मिक्सर ग्राइंडर किसी में भी इसको अच्छे से पीस लेंगे। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, और ये वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि आम का ना बनना बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। ये हमें इंटेंस हीट से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, विटामिन सी एंड विटामिन ए होता है इसमें बहुत ज़्यादा, कैल्शियम मैग्नीशियम सब कुछ इतना ज़्यादा होता है। और इसके अलावा हम मिंट लीव्स जो यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारा विजन इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन और हेयर को हेल्दी करता है, तो दोनों ही चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और सबसे बढ़िया तो ये ठंडा ठंडा चिल्ड समर सीजन में पीने में इसका मज़ा ही कुछ और होता है, तो आप इसको बनाइए ज़रूर। अभी मैं, चलिए, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाता है तो इसको हम पीस लेते हैं। हमारा मिक्सर देखिए अब ठंडा हो गया है, अब हम इसको इसमें डाल के मिक्सर ग्राइंडर में हमने पीसना है, इसमें हम डाल देते हैं सारा। देखिए, मैंने 2 गुठली भी डाल दी थी कि इसका पल्प आ जाएगा इसमें, इसको मैं नहीं डालूंगी। अगर आप गुठली को डालेंगे तो वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा आपका। ये
अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेन करना है ये नहीं करना, आपकी चॉइस है। चलिए पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। अब अच्छे से देखिए मेरा पीस गया है। इसके बाद मैं इसको इस डाल दूंगी जग में। अब इस टाइम पे इसके बाद मैंने देखिए अभी तो मैंने थोड़ा सा बनाया था, केवल 250 ग्राम्स बना हुआ है मेरा, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें बस पानी और आइस ऐड होगी। अब इस टाइम पे मैं इसमें ये ब्लैक सॉल्ट है ये डाल देंगे, ये ब्लैक पेपर डाल देंगे और ये ज़ीरा पाउडर भी इसमें ये मैं डाल दूँगी, ये देखिए। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेंगे। में शुगर तो हम देखा है आपने ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अब हम इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा आम का पन्ना सर्व करने के लिए रेडी है। अभी इसमें मुझे पानी ऐड करना है और इसमें मुझे आइस ऐड करनी है। कई लोग इसमें एक छोटा, जब मैं आमिया बॉईल कर रही थी, कई लोग इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी काट के डाल देते हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए। पर इसमें जो पुदीने और अमिया का फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जैसा मन हो, आप डालना चाहते हैं एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं। चलिए मैं इसको अब सर्व कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ पानी और आइस डाल के मैं कैसे सर्व कर रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। क्योंकि आप इसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो ये सारा का सारा आपने नहीं पीना, तो उसको बिल्कुल ठंडा करके आप इसको किसी भी ग्लास की बॉटल में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। ये आपका हफ्ता आराम से ये चल जाता है। और चलिए मैं इसको अब डाल के दिखाती हूँ कि कितना डालना है इसमें ये और कितनी आइस डालनी है। देखिए आम का पन्ना है, अब इसे हम पूरा ही बना रहे हैं और बाकी आपको बता चुकी हूँ मैं, स्टोर करना है तो इसको बॉटल में डाल के आप रख दीजिए। अब इस टाइम पे हम इसमें खूब सारी देखिए आइस क्यूब डाल देंगे, जितनी डाल सकें आप, खूब सारी आइस क्यूब डाल देंगे इसमें। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये देखिए ठंडा पानी, अराउंड 5 ml इसमें पानी और हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा पन्ना। अब इसमें आइस अगर आप और डालना चाहते हैं और चिल करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा पन्ना बिल्कुल तैयार हो गया है। 250 ग्राम से अराउंड 4 ग्लास तो इजीली निकल आते हैं, छोटे ग्लासेस है तो 4 से 6 ग्लासेस भी आपके निकल आएंगे। ये देखिए अब मैंने इसको स्ट्रेन भी नहीं करा था इसको, क्योंकि मिंट लीव अगर हल्की हल्की सी मुँह में आती है तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आप इसको स्ट्रेन करना चाहें तो आप स्ट्रेन कर लीजिएगा। चलिए मैं अब इसको सर्व कर देती हूँ। ये देखिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। अब इसमें अगर आपने और आइस डालनी है तो आप 1-2 क्यूब्स डाल सकते हैं, पर मैंने ऑलरेडी डाल दी है। देखिए 250 ग्राम्स आमिया थी, एक छोटा बाउल पुदीना मिंट लीव्स थी और 500 ml पानी बाद में डाला मैंने और थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाला था, मैंने आपको बता दिया। 1 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट था, 1 टेबल स्पून काला नमक था, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर था। अब इसके बाद देखिए अब हमें सर्व करना है तो हम इसमें थोड़ा सा मिंट लीव रखते हैं और इसको चलिए ये हमारा आम का पन्ना बिल्कुल पीने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको सर्व करते हैं। बाकी सॉल्ट और शुगर आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से ज़्यादा डालना चाहते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा आपको कम या ज़्यादा लग रहा है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी अब आप पन्ना बिल्कुल रेडी है पीने के लिए, इसको बनाइए इस गर्मी के मौसम में। और आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, आप सबको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि अगर अच्छे लग रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं आप वो भी बताइए। अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।